रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में नमाज तरावी में कुरान पाक मुकम्मल होने पर एक तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में मारूफ आलम दीन हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान अज़हर नक्शबंदी ने खुसूसी खिताब फरमाया। अज़मत गिल की रिपोर्ट देखिए। अहले सुन्नत जमात सान फ्रांसिस्को बे एरिया के ज़ेरे एहतमाम साउथ सान फ्रांसिस्को में मोहम्मद फारूक खान की रिहाइशगाह पर रमज़ानुल मुबारक के दौरान नमाज तरावी में कुरान पाक के मुकम्मल होने पर बाबरकत तकरीब का एहतमाम किया गया, जिससे पाकिस्तान से आए मारूफ आलम दीन मौलाना मोहम्मद रमजान अज़हर नक्शबंदी ने खसूसी खिताब किया और खसूसी दुआ भी करवाई। बोले तो बोले क्या, क्योंकि ये रब का कुरान है, ये रब का कलाम है, न दूसरा खुदा हो सकता है, न कुरान की मिसल दूसरा कुरान हो सकता है। एक आयत के मुकाबले में तुम कुरान की आयत नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि ये किसी बंदे का कलाम नहीं है, ये रब का कलाम है। हाँ, और फिर देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की मिसल कोई कलाम नहीं, बिल्कुल भी है। ये ऐसा ये कयामत तक के लिए है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो दलील किसको पेश किया? फरमाया मेरी जिंदगी देखो, मेरा चलना तुम्हारे सामने है, मेरा बैठना तुम्हारे सामने है, मेरा उठना तुम्हारा सामने है, मैंने ना तुम्हारे साथ कभी झूठ बोला है, ना इमानत में खयानत की है, मेरी मुस्कुराहट, मेरी अदाएं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके सामने ये बात बयान की, अगर मेरी अदा जैसी किसी की अदा देखी है तो मेरा इनकार कर दो, अगर मेरे वसत जैसा वसत किसी के अंदर देखा है तो तुम इनकार कर दो, लेकिन अगर नहीं तो फिर मानो मोहम्मद भी सच्चा है, मोहम्मद का खुदा भी सच्चा है। मोहम्मद फारूक खान, इब्राहिम खान, मोहम्मद खालिद और दीगर ने हदिया नात पेश किया। राते भी मदीने की बातें भी मदीने की, राते भी मदीने की, बस यही है मकाम आखरी आखरी। अवल हम द सना इलाही जो मालिक हर हर दा बढ़ा। इस मौके पर मोहम्मद फारूक खान के वालिद की रूह के एहसाले सवाब के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। अजमत गिल, दुनिया न्यूज़, कैलिफोर्निया।